सरेआम फायरिंग के इस कारनामे के बाद बात करते हैं पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की। ख्वाजा बरादरान की कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत में अदम तौसी पर गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नैब की सिक्योरिटी टीम के अहलकार लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से जो नैब तहकीकात करे, जिसमें ख्वाजा बरादरान, जो ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को दोनों पर शामिल है, उनसे तहकीकात का सिलसिला जारी था। गिरफ्तारी के पेश नजर जो है ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक ने कबल गिरफ्तारी अपनी जमानत करवा रखी थी और आज उनकी दोबारा जो है 24 अक्टूबर तक जो अदालत की जानेब से उन्हें कबल गिरफ्तारी दी गई थी और आज वो दोबारा अदालत में पेश हुए हैं। जराए का कहना यह है कि आज अगर उनकी जमानत में तौसी नहीं होती तो नैब की टीम ने गिरफ्तार कर लेगी। वारंट गिरफ्तारी उनके चेयरमैन नैब की जानेब से जारी हो चुके हैं। दूसरे स्तर के चेयरमैन नैब ने जो टीम है नैब की वो हाईकोर्ट के बाहर पहुंच चुकी है, जबकि तफ्तीशी अफसर जो है वो भी जो अदालत कमरा अदालत उसके अंदर मौजूद है। अब ख्वाजा बरादरान के बारे में भी कहा जा रहा है, जायका कहना है कि वो भी पहुंच चुके हैं और आज अगर अदालत की जानेब से उनके कल गिरफ्तारी में तौसी नहीं की जाएगी तो नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से अब देखना यह कि अदालत की जानेब से उन्हें तौसी मिलती है मजीद या नहीं मिलती, और ना मिलने की सूरत में फिर उनकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी है ख्वाजा बरादरान। राहिल सैयद, जराए क्या कह रहे हैं कि आज तौसी हो जाएगी या गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, कोई चीज सामने आई ऐसी? जी ये तो अदालत के फैसले पे मुनसर है कि अगर अदालत उनकी कबल गिरफ्तारी में मजीद तौसी नहीं करती और उनकी जमानत खारिज कर देती है तो फिर आज उनकी गिरफ्तारी यकीनी तौर पर होगी, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी जैसे मैंने आपको बताया कि जो है जारी हो चुके हैं। वारंट गिरफ्तारी पर साइन भी कर दिए गए हैं, चेयरमैन नैब की जाने से इजाजत दे दी गई और अब जो है नैब की सिक्योरिटी टीम है जो ये स्क्वाड है उनका जो गिरफ्तार करते हैं लोगों को वो। राहिल सैयद, आपको याद होगा हालिया चंद दिनों में अगर माजी की बात करें तो जराए और कयास यही किया जा रहा था कि गालिबन कुछ दिन की तौसी के बाद जैसे जमानत में तौसी हुई फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है, तो यहाँ पे हालात क्या लग रहे हैं आपको? ये मैंने जिस तरह ये कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी तो जारी हो चुके हैं, अब ये अदालत को मुनसर है कि अगर वो उनकी तौसी नहीं देती उनको और उनकी कबल गिरफ्तारी की जो है वो तो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाती है मजीद तौसी नहीं की जाती तो फिर आज उनकी गिरफ्तारी यकीन है, क्योंकि सिक्योरिटी टीम पहुंच चुकी है हाईकोर्ट के बाद, तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद है, नैब पूरी टीम जारी कर चुकी है और आज वो सिर्फ इस इंतजार में कि अदालत क्या फैसला देती है। अगर तो मजीद तौसी मिल जाती है तो फिर वो उनको फिर वेट करना पड़ेगा नैब की टीम को, तब उनकी जो कबल गिरफ्तारी तौसी खारिज होगी। और अगर आज आपका